तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे समय से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। इस बीच इनके कई अहम किरदार शो छोड़कर जा चुके हैं। दिलीप जोशी जो शो के लीड एक्टर हैं, वो जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं। अब शो से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि दिलीप जोशी की भी असित मोती से लगातार बहस हो चुकी है। यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुँच गई थी और दिलीप जोशी ने शो छोड़ने की धमकी दे डाली। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच झगड़ा अगस्त के महीने में हुआ था। दोनों के बीच छुट्टियों को लेकर गर्मा गर्म बहस हो गई थी। सोर्स के मुताबिक दिलीप उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इस बात पर बात करने को राजी नहीं थे। इस बात पर दिलीप जोशी भड़क गए। प्रोडक्शन से जुड़े सोर्स ने न्यूज 18 को बताया, कुछ शाह के शूट का लास्ट दिन था। दिलीप जी असित के पास आने और छुट्टियों के लिए उनसे बात करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन असित भाई आए और सीधे कुश से मिलने पहुंच गए। इससे दिलीप जी को अच्छा नहीं लगा। दिलीप जी बहुत नाराज हो गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दिलीप जी ने असित मोदी की कॉलर भी पकड़ ली थी और शो छोड़ने की धमकी देने लगे। हालांकि असित भाई ने उनको शांत किया। ये नहीं पता कि दोनों ने अपना झगड़ा कैसे निपटाया। हालांकि रिपोर्ट सोर्स के हवाले से है, दिलीप जोशी या असित मोदी की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।